प्यारा स्क्वाड है, टोटली सारे ब्लैक। अस्सलाम जी। अच्छा, मतलब कि दो क्लासें तो हो चुकी हैं, तीसरी भी लेंगे इंशाल्लाह। आज से सारी क्लासें लेंगे क्योंकि जून के एंड में पेपर भी स्टार्ट हो रहे हैं। 23 को मैंने सुना है, अगर स्टार्ट हो जाते हैं तो हमारे पास 20 दिन बाकी हैं, टोटली 20। उसमें पढ़ना भी है, पता नहीं क्या क्या होगा। फरान जूस के लिए यहाँ पे रुके हैं, शेक के लिए, शेक पी के निकलते हैं। तीसरी क्लास लेंगे मैम एथिक्स वाली, तो अभी शेक पी रहे हैं। सही है, ऊपर क्लास हो रही है, जाते हैं क्योंकि हाजी साहब को कुछ खाना था, हमने शेक पे डिसाइड किया सब कुछ। तो जा रहे हैं ऊपर, मैम तो क्लास ले रही है, कोई बहाना डालते हैं। क्या बात है सर, क्लास के नज़दीक हैं, पहले क्लास ले लेते हैं और साथ शेक लेके जाएंगे। पता नहीं मैम क्या रिएक्ट करेगी, पता नहीं। अस्सलाम जी, क्लास खत्म हो चुकी है, मौसम बड़ा प्यारा हो चुका है, लेकिन एक प्रॉब्लम है। आज ना बिजनेस एथिक्स वाली ने बड़ा जलील किया मुझे, बड़ा, कोई मौका छोड़ा नहीं है। हंसी हंसी में ना सही, मतलब कि मैम ने शाह की सही बेइज्जती हो जाए ना तो शाह साहब वाशरूम जाते हुए, क्योंकि हाथ मुँह धो लेंगे ना तो उतर जाएंगे। ये सीन चल रही है, ऐसे दोस्त होना तो बंदे को दुश्मन की जरूरत नहीं है। मेरे जूस वाली कहानी थी ना, मैम को इस बंदे ने बताई है, दुख है यार। कौन है ये लोग? लेकिन आज ना एंड ही हो गया, सही है। तो कोशिश करते हैं कि फाइनल्स में थोड़ा सा पढ़ लें ताकि ना मैम की नजर से हट जाए। बहुत ज्यादा मैं आ गया हूँ, मैम कह रही है मंजूर मंजूर, ऐसे जुबानी नाम याद कर लिया है ना जैसे कि यहाँ का HOD। करते हैं कुछ, अभी सब बाहर जा रहे हैं, सही है, मौसम अच्छा है। थोड़ी देर ही रुकेंगे क्योंकि अभी तो 12:30 हो चुके हैं, 12:30, तो यहाँ पर ज़्यादा रुकने का कोई अमका नज़र नहीं आ रहा है। ऊपर से आवाम भी कम है, जब बाहर नहीं आया, हैदर नहीं आया, और मतलब कि काफ़ी ज़्यादा आवाम नहीं आई। ओए होए, मौसम बड़ा प्यारा है आज, सही आशिक हुआ है मौसम, बहुत बड़ा लाइक हो गया, मैडम की नज़रों में आ गया। मैम कहती है जी ये जितना लाइक ये है ना, हाय हाय हाय, पूरी क्लास में एंड हो गया। ऐसे में बड़ा सख्त लौंडा, अभी मौसम बड़ा प्यारा हो गया, सही है। कैफे में उधर जाके कहते मेरे पास 1 रुपया नहीं, उसके 850 कटने हुए, फराने पैसे दिए आदि के उस दिन। अभी यहाँ पे बैठे हैं बिकॉज आज करने के लिए कुछ इतना खासा है नहीं हमारे पास। ये पानी पी रहा है अलीना का, ठंडा पानी लग रहा है, पहले ये कह रहा था नस्ले का पीता हूँ, अब ये पी रहा है। बस इन लोगों की यही बस रोने धोने रहते हैं, तो बाकी मौसम बड़ा प्यारा हो चुका है। मार रोड जब मौसम प्यारा हो तो सही सच जाता है। ब्लैक स्क्वाड बड़े हिस्से के बाद ऐसा स्क्वाड दिखा फाउंडेशन में, मतलब ये पूरी क्लास ही होती है या पूरे दोस्त ही होते हैं। यहाँ पर आए हैं स्पेशल पिक्चर खिंचवाने के, या तो ये फाइनल्स वाले हैं, इसी वजह से होती है, तो अब मुझे ज़्यादा पता नहीं है। लेकिन प्यारा स्क्वाड है, टोटली सारे ब्लैक, माशाल्लाह से स्क्वाड प्यारा लग रहा है, सही है। अभी निकलने का टाइम आ चुका है। क्या बात है सर, वाह, कैसी लग रही हो लीना? ये देखो, अब आ जाओ नजदीक, आ जाओ, बस हो गया जो तेरा होना था ना, आ जाओ, अच्छी एक्टर हो। 200 रुपए दे और 50 रुपए कट ओवर एक्टिंग के वजह। ये अच्छी है एक्टर वैसे, ये एक्टर अच्छी है, जो क्या होता है मेरे साथ ही है। मस्ती कर रहे हैं तो यार, ऐसा ना मूड थोड़ा सा ऑफ हो गया था किसी बात को लेकर, तो यहाँ तक थी आज की वीडियो। अच्छी लगे तो लाइक करो, कमेंट करो, शेयर करो, हमेशा से गाइस ना पन्ने चैनल को सब्सक्राइब करो। लेकिन घर पे जाके व्लॉग को करेंगे कंटिन्यू, दूसरा व्लॉग आज एडिट नहीं होगा क्योंकि वो बहुत बड़ा है, तो आज शाम को उसे एडिट करना शुरू करेंगे, लेकिन इसे आज ये आज डलेगा। अब ये कल घास की कटिंग कराई थी ना, तो देखो हर जगह घास घास गंद गंद हुआ है, तो क्योंकि घास उठा नहीं रहे थे, इसकी वजह ये है कि बाकी जगहों पे घास पूरा आ जाए, तो हर जगह ने ये सफाई हो तो की थी, लेकिन वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा गंद बना है घास का। ये देखो ये, Two hours later. तो यार देखो मैं सोता कैसे हूँ, मतलब कि ये पूरे बेड पे चादर होती है, सही है, मैं पंखा लगा के सो जाता हूँ, चादर नहीं उतारता। फिर होता कुछ ऐसा है ना, जब ठंड लगती है ना थोड़ी थोड़ी, तो चादर को फोल्ड करता हूँ और मतलब कि यहीं सोया रहता हूँ, और चादर के मैंने बुरे हालात किए हैं इस वजह से। हंसते चेहरे का मतलब ये नहीं होता कि उन्होंने कोई तकलीफ नहीं होती, मतलब ये होता कि इन्होंने तकलीफों नाल डील करना होता। ऐसा ना बिना हाल ही है, सही है, मतलब कि फ्रेश हो चुके हैं, पहले खाते हैं खाना। मेरी तबीयत काफी ज्यादा खराब थी जिसकी वजह से मैंने खाना नहीं खाया था, तो खाना खा के जाना है काम पे, तो चलते हैं। उबले हुए चावल और साथ चाय, मतलब कि क्या कॉम्बिनेशन है, आगे स्वाद। कोई बात नहीं,